एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के बेलाजी तीर्थ क्षेत्र में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हो गया। घट यात्रा के बाद विविध आयोजनों के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया। मालूम हो कि परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य बालयोगी आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में बेलाजी तीर्थ पर यह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ हुआ है, जहाँ पर दूर दूर के भक्तों के द्वारा यहाँ पर बोलियाँ लेकर के पात्र बन करके पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अपनी सहभागिता दर्ज कराई जा रही है। बेलाजी तीर्थ क्षेत्र गढ़धर तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ पर परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की परिकल्पना के अनुसार क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर अभी तक दो पंचकल्याणक आनंद संपन्न हो चुके हैं, तो वहीं तीसरा पंचकल्याणक यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। परम पूज्य आचार्य द्वय सहित अन्य साधु संतों और परम पूज्य गणनी आरिका सौभाग्यमती माताजी, परम पूज्य आरिका गणनी समतामती माताजी सहित अन्य मुनि और आरिकाओं चुल्लक चुल्लिकाओं के बीच यह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत हुई है, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच करके धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एशियन न्यूज़। मुनि सोम सागर जी, मुनि संतोष सागर जी, मुनि सुखी सागर जी, मुनि सुवाले सागर, सुलभ सागर जी, गणी आरिका सप्तमती, गणी आरिका सभापति, आरिका संस्कारमति, आरिका सूरमति, आरिका शिक्षामति, आरिका विप्राशी माता जी, आरिका संचिपति, आरिका समर्थपति, आरिका सक्षमति, आरिका सभापति, आरिका सुमति, शुल्लक श्रीफल सागर, शुभकामना सागर, सर्वेन्द्र सागर, सुलभ सागर, चुल्लिका सुरेशपति, चुल्लिका सुवारमति, चुल्लिका सुनंदापति, सुवासिषपति, चुल्लिका सुमादी, चुल्लिका सुमार सुभावनति, चुल्लिका विज्ञप्ति श्री माता समस्त पंडित सती शास्त्री नामदेव से पंडित रवि आलोक समस्त परिवार शांति धारकर्ता श्रीमान औरंगाबाद अनिल पटौती, बीना पटौती, गौरव दीपकपुरा, सुरेश नमचकास, अमित से ग्रीन पार्क, डॉक्टर सुभाष सुमंजन, सिद्धार्थ हरिशलका जैन, सिविल लाइन्स जयपति गौरव जैन, कमिश्री भूगल, राजीव सर ग्रीन पार्क, संजय सोपाड़िया रायपुर, संदीप जैन, दक्षर जैन, दीप चंद्र बिला जैन, रमेश चंद्र सुन कानपुर, जितेन पटनी, अचर पटनी, सुरेन कुमार जैन, राकेश जैन चंडीगढ़, सुरेश चंद्र सिद्धार्थ नमचकास दिल्ली, अशोक पाड़िया परिवार बलिगाँव, समस्त परिवार से समस्त उपस्थित जन समूह से सर्व उपस्थित जन समूह से के चढ़ो मनीषी वचन से कहीं से मारा मान नमस्कार हो जनसलाली बाहर करवा बने।
आचार्य जो सिद्धांत सागर जी महाराज की। चलिए उद्भूत भीषण जल उदरिवारिभुगिना सोच्यम दशा मुपगताश्रुत जीवताशा। प्राप्त हो गई कि गुरुवर तुम ही मुझे सबसे अच्छे लगते हो, अन्यत्र कोई नहीं। प्रारंभ बात यहाँ से हुई थी कि तुम मुझे अच्छे लगते हो और बात यहाँ पर आकर समाप्त हो गई कि तुम ही मुझे बस अच्छे लगते हो। महानुभाव आज निश्चित रूप से भाग्य सौभाग्य का दिन है कि बेला जी तीर्थ पर तीसरा पंचला प्रतिष्ठा महोत्सव का आज आगाज हुआ। ये संपूर्ण बेला जी का पंचांग नहीं है, ये तो पार्ट पार्ट में पंचांग चल रहे हैं। पहला पंचांग मई 2011 में संपन्न हुआ था, दूसरा पंचांग अप्रैल में 2017 में जब गुरुदेव की 50वीं जन्मजयंती थी उस समय, और तीसरा पंचांग अभी 2023 में प्रारंभ हो गया। निश्चित रूप से इस छह का योग है कि पहले छह साल पहले हुआ फिर छह साल बाद हो गया, ये एक संयोग बन गया। तो जब मैंने कचनेर जी की यात्रा करी थी तो मैंने सोचा था कि गुरुवर के दर्शन करूंगा, यहाँ कोई प्रतिष्ठा कराऊंगा, फिर कचनेर जी जाऊंगा, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि पहले आराध्य के पास जाओ फिर अपने आराध्य के पास आओ। तो यहां ना आके सीधा मुझे कचनेर जी भेजा और कचनेर जी से लौट कर आया तो 5 की 6 साल में अपने आप कार्य संपन्न हो, ये तो 5 साल में हो जाते हैं। ये अपनी योग है। यहां पर जो वर्तमान में मानी स्तंभ का निर्माण हो रहा है, जहां पर एक नहीं अभी तो 2400 भगवान की प्रतिमाएं विराजमान होंगी, और संभवतः ये बुंदी लखनऊ का नहीं, संपूर्ण भारत, संपूर्ण मध्य प्रदेश का, भारत का नहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश का पहला ऐसा मानी स्तंभ है जहां पर एक ही मानी स्तंभ में 2400 भगवान की प्रतिमा स्थापित होने वाली है, और पुण्यशाली आप हैं कि आप उसके हिस्से बन रहे हैं। तो सूरत फजूल है, खुशबू नहीं जिसमें, वो मात्र कागज का फूल है। आचार्यों ने कहा है कि यदि आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव, आपके अंदर गुण नहीं है तो एक स्टूची की समान हो। आपका जो मनुष्य भाव है वो मनुष्य पन भी आपका श्रेष्ठ तब होता है जब आपके अंदर मनुष्यता होती है। यदि आकार से हम मनुष्य हैं, आकृति से मनुष्य हैं, लेकिन प्रकृति से यदि हम मनुष्य नहीं हैं तो कहते हैं कि हम मनुष्यों से पशु श्रेष्ठ हैं। जैसा कि अभी शरद ने बताया कि वो पत्थर पाषाण यहाँ आकर गुरुओं के सानिध्य में आकर के वह परमात्मा बन जाता है, और यदि हम ऐसे महान आयोजनों में सम्मिलित होकर के भी अगर अपने परिणाम महान नहीं बनाते तो फिर हमारा आना और ना आना कोई कार्यकारी नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि हम जिस माहौल में या जिस महोत्सव में सम्मिलित हुए हैं उस महोत्सव का आनंद, उसका लाभ उठाएं। ओम रीम ओम मलकावर कर से, ओम चंपक कर से, ओम गंधार कर से, ओम मंदार कर से, ओम पारिजात कर से, ओम संतार कर से, ओम हरिचंदन कर से, ओम रीम कल्प वृक्ष कर से, ओम जाप कर से, ओम विशाल कर से, ओम बद्ध कुंड कर से, ओम पूर्ण कुंभ कर से, ओम जेत कर से, ओम विजेत कर से, पांडाल मंडप वेद का शुद्ध करो में यहाँ छोड़ देना, सब लोग यहाँ की शुद्धि हो गई। ओम बाहर की भी शुद्धि करनी है, बाहर की पूरे पांडाल की शुद्धि करनी है, ठीक है ना। आप मुझे अष्टकुमारी पूरे बाहर से पांडाल की शुद्धि करेंगे। ओम मंडप वेद का शुद्धि करो में स्वाहा। सभी के बाद जितना भी जल बचा है पूरे संपूर्ण स्तर की शुद्धि करते हुए मंडप प्रतिष्ठा। चलिए जी जोड़े से आए, माता पिता यदि जोड़े से आते जाएंगे यहाँ पर मंडप प्रतिष्ठा की विधि।